गुड आफ्टरनून क्लास 8 जेएनयू पिथौरागढ़। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं। 5.1 में आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में बताया गया था। तो सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें सीखनी है इस क्लास में वो है अब सर्कल चार्ट या उसको पाई ग्राफ भी कहते हैं, पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ। ओके, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ, तो सर्कल ग्राफ भी कहते हैं पाई चार्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक इन अ सिटी। एक शहर में जो पीपल है किस तरह के म्यूजिक को पसंद करते हैं वो एक सर्वे करने के बाद एक पाई चार्ट बनाया गया। तो पहला क्वेश्चन में आप पाई चार्ट से क्या रेफरेंस या क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो सेमी क्लासिकल म्यूजिक 20% लोगों को पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को, फोक म्यूजिक इज लाइक बाय 30% पीपल एंड लाइट म्यूजिक बाय 40%। तो फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो क्या कहने का मतलब है कि 20% म्यूजिक 20% जो 20 पीपल है वो क्या है, टोटल कलेक्टेड डेटा का 10% है। देखिए अब क्लासिकल क्या है, 10% है, 10% ऑफ समथिंग इज 20, 10% ऑफ समथिंग इज 20, तो इसका मतलब वो क्या है 200 पीपल होंगे। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ऑब्वियसली जिसका परसेंटेज ज्यादा है लाइट। ठीक है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, मान लीजिए ये पूरा 360 डिग्री को अगर हम कहें तो टोटल 360 डिग्री जो है 1000 सीडीज के बराबर होगा या 100% 1000 सीडीज के बराबर होगा, तो ईच टाइप का नंबर ऑफ पीपल बताने हैं। ओके, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, 20% लोगों ने लाइक किया क्लासिकल म्यूजिक एंड दैट इज 10%, दिस रिप्रेजेंट 10% ऑफ 10% मींस 20 पीपल, सो 100% विल रिप्रेजेंट 200 पीपल, तो 200 पीपल वर सर्वेड। सिंपल तरीके से भी कह सकते हैं, सिंपल लॉजिक से 10% का मतलब है 20 लोग, तो 100% का मतलब कितना होगा, ठीक है ना, तो 200 पीपल सर्वे में आया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लीजिए या आप ऐसा कर लीजिए जैसे हम करते थे पिछली क्लासों में, हम करते थे ना, क्या आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 10% ऑफ टोटल पीपल लाइक क्लासिकल तो इज इक्वल टू 20। तो आप क्या कर दीजिए, और 10/100 इंटू टोटल पीपल इज इक्वल टू 20, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, टोटल पीपल इज इक्वल टू, टोटल पीपल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इंटू 100/10, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, है ना, तो 200 पीपल आ गया। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे या हमने सीधा ही लिख दिया, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पाई चार्ट को देख के हम बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूजिक कितने लोगों को, परसेंट लोगों को पसंद है, 40% लोगों को। ठीक है, अब देखिए तीसरा पार्ट, टोटल सीडीज कितनी बनी हुई है 1000, तो क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेंगी, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स, 10% ऑफ 1000 दैट इज 100। सेमी क्लासिकल म्यूजिक 20% है, 20% है सेमी क्लासिकल ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स 1000, तो 200, 30% ऑफ 1000 सीडीज विल बी द नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक, है ना, तो 300, नंबर ऑफ कैसेट्स ऑफ लाइट म्यूजिक तो 400 आ जाएगा, राइट, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि टोटल 100% का मतलब है 1000 सीडीज या 360 डिग्री का मतलब है 1000, तो कितना फ्रैक्शन है ये निकालना है आपने कि सेमी क्लासिकल कितना फ्रैक्शन है टोटल सर्कल का, सेमी क्लासिकल 20/100, है ना, फ्रैक्शन निकाल लिया हमने उसका इनटू 1000, टोटल नंबर ऑफ सीडीज कर दिया हमने, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजंस, रेनी, विंटर एंड समर, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो ऑब्वियसली फ्रॉम द टेबल आप देख सकते हैं कि विंटर, फाइंड द सेंट्रल लाइन ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, एंड ड्रॉ अ पाई चार्ट। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ था नंबर ऑफ वोट्स, समर सीजन को देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 360,
ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि विंटर इज द मोस्ट लाइकेबल वेदर। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 90 प्लस 120 प्लस 150 360, ठीक है। अब आप फ्रैक्शन में गए, टोटल सर्कल का, टोटल 360 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ वोट्स का कितना फ्रैक्शन है समर, 90 अपॉन 360, है ना। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री, ऐसे हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, क्योंकि सेंट्रल एंगल बने पता चलेगा तभी हम पाई चार्ट ही निर्माण कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो 90 अपॉन 360 इंटू टोटल 360 डिग्री, 90 अपॉन 360 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा समर नंबर ऑफ वोट्स 90 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 360, तो सॉल्व करके 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। अब आप क्या करिए, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करिए, फिर इस लाइन पर 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए, फिर ये जो इसको मिला दीजिए, फिर यहाँ पर रेस्ट जो है 120, देखिए टोटल 360 डिग्री होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी 360 है और टोटल कंप्लीट एंगल भी 360 डिग्री है, तो समर कितना फ्रैक्शन है, 90 अपॉन 360 नंबर ऑफ वोट्स फॉर समर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 360 डिग्री, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री, राइट। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से इसका पाई चार्ट बनाना है आपको। देखिए, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द कलर्स प्रेफरेंस, ना ब्लू कलर 18 लोग, 18 पीपल आर लाइकिंग ब्लू कलर, 9 कलर आर लाइकिंग ग्रीन कलर, 6 पीपल आर लाइकिंग रेड कलर एंड 3 पीपल आर लाइकिंग येलो कलर। तो हिंट भी दिया है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। ब्लू का टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सर्वे किया गया है कितना पोर्शन है, 18 अपॉन 36 इंटू टोटल एंगल 360 डिग्री, ठीक है। ये तो है, देखिए सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री। I have to find the central angle. Blue color, number of people liking blue color is 18. Fraction में कितना fraction है total? Total number of 30, total 36 people का कितना fraction है? कितना proportion blue है? 18 upon 36. ये तो है ना, frequency upon data upon total frequency into 360 degree. तो 180 degree आ गया. Green का fraction 9 upon 36 है, 1 upon 4 part है. तो total complete angle का 90 degree होगा. 9 upon 36 into 360 degree. Simply you remember this, central angle is equal to frequency of data upon total frequency into 360 degree. Red को पसंद करने वाले लोग 6 हैं, 6 upon total, सर्वे कितने लोगों का हुआ, total frequency 36, 6 upon 36 into 360 degree, 60 degree, ठीक है। तो एक डायमीटर बना देंगे सेंटर से जाने वाली लाइन, डायमीटर तो ब्लू कलर का मिल गया आपको 180 degree. फिर इस पर आप 30 degree का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाए, तो येलो 30 degree, ओके, फिर रेड और ये ग्रीन, ठीक है। और आप चाहें तो इनके काउंट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए किनारे में 18, यहाँ पे आप लिख दीजिए 6, यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 और यहाँ पे आप लिख दीजिए 9, कितना 9, ओके। तो पाई चार्ट में दो तरीके के डेटा होंगे, एक तो सेंट्रल एंगल होगा बच्चों, ठीक है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, कितने फ्रैक्शन का वो डेटा है, टोटल डेटा का कितना फ्रैक्शन है वो निकाल लीजिए, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। इसी तरह से एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स सोशल साइंस एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट्स आर देयर, उनके मार्क्स दिए, टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स को मिले 540, ठीक है। आस्क द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो आप देखिए 540 मार्क्स का मतलब है 360 डिग्री एंगल, टोटल मार्क्स 360 डिग्री, तो 105 के लिए आप निकाल सकते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन इन हिंदी, मैथ्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैथ्स के मार्क्स निकाल सकते हैं आप, ठीक है। 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 540, ओके। फिर तीसरा पार्ट है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स आर मोर देन साइंस एंड हिंदी, ये देखना हमने। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले वो पता करेंगे। टोटल मार्क्स इज 540, तो 540 मार्क्स क्या करेगा, 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स हैज टू बी कैलकुलेटेड, 105 अपॉन टोटल 540 इंटू 360 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द सब्जेक्ट हैविंग इट्स सेंट्रल एंगल हिंदी इज हैविंग सेंट्रल एंगल 70 डिग्री, तो द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी, राइट। डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स ऑफ मैथ्स एंड हिंदी, मैथ्स एंड हिंदी का डिफरेंस निकालिए, 20% आया, तो 20% ऑफ सेंट्रल एंगल मार्क्स के लिए
तो 30, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 मार्क्स बिटवीन मैथ्स एंड हिंदी। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं ना, मार्क्स ऑफ मैथ्स 90 अपॉन 540 इंटू 360, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। फिर हिंदी के मार्क्स निकाल लीजिए 70 अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री, या आप ऐसा कर लीजिए कि दोनों के डिग्री का डिफरेंस निकाल लीजिए मैथ्स और हिंदी का, 20 डिग्री आया, तो 20 डिग्री मार्क्स फॉर 20 डिग्री सेंटर एंगल क्या होगा, 20 अपॉन 360 इंटू 540, ठीक है, क्या हो गया सेंटर एंगल निकालने के लिए टोटल 360 डिग्री का कितना पोर्शन इंटू टोटल मार्क्स, तो 30 मार्क्स आ गया डिफरेंस के बीच में। ठीक है, सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स 155, सोशल साइंस एंड मैथ्स का 150, सोशल साइंस और मैथ्स, तो 90 प्लस 65 155, फिर साइंस और हिंदी का, साइंस और हिंदी का 150, तो सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ साइंस एंड हिंदी, देयरफॉर द स्टूडेंट्स स्कोर मोर इन सोशल साइंस एंड मैथ्स देन इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, एक चीज मैं आपको फिर से नोटिस कराना चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ पे सर, ये आपने ये पूछना सर ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर पीछे चले, देखिए यहाँ पे अगर मैंने मार्क्स निकालने, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती, ठीक है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा निकालनी होती, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा निकालनी होती तो क्या होता, टोटल फ्रीक्वेंसी है ना अपॉन 360 इंटू, इस तरह से कर लेते, ठीक है, ये आया। तो आप इसको करिए, बहुत आसान है। अब आप इसको समझिए कैसे आया, 20 डिग्री डिफरेंस है मैथ्स और हिंदी के मार्क्स में, तो 20 डिग्री क्या है, 20 डिग्री कितने मार्क्स को दिखाएगा, तो 20 डिग्री किसका, तो टोटल 360 का कितना पोर्शन है 20 डिग्री, 20 अपॉन 360, और टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से तो आप इसको करिए। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 72 है, प्रत्येक का फ्रैक्शन निकालिए 40 अपॉन 72, फिर 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके 40 अपॉन 72 इंटू 360 सॉल्व करके 200 आया, फिर इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकाला, कितना फ्रैक्शन है, टोटल इंग्लिश के स्टूडेंट्स 12 हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 है, तो 12 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री, तो इस तरह से आप इसको बार ग्राफ, इस फाई चार्ट को आप बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, एक लाइन यहाँ पे खींचिए और 45 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर उसकी इस लाइन पर 35 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर 20 डिग्री का बनाइए, और यहाँ पे आप 60 डिग्री इस तरफ प्रोटेक्टर चला के, तो बाकी जो बचेगा वो हिंदी का हो जाएगा 200 डिग्री, ओके इस तरह से है। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखना है। ठीक, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज एट दिस पॉइंट हियर, ओके, यहाँ पर सेंट्रल एंगल 20 डिग्री का सेंट्रल एंगल किसको दिखाएगा, कितने मार्क्स को बताएगा, तो 20 अपॉन टोटल कंप्लीट एंगल का कितना फ्रैक्शन है, पूरे 360 डिग्री का 20 डिग्री कितना फ्रैक्शन है वो निकाला इनटू टोटल मार्क्स, तो इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नरेट कर सकता हूँ, यहाँ इसको टेक्स्ट बुक डाल के, तो आपको क्या कहा है कि मार्क्स इज इक्वल टू सेक्टर एंगल डिवाइड बाय टोटल एंगल इनटू टोटल मार्क्स, इससे बनाइए। ये कैसे बना, मार्क्स कैसे निकाले, 20 डिग्री तो सेक्टर एंगल 20 डिग्री अपॉन टोटल एंगल 360 इनटू टोटल मार्क्स, तो ऐसा करके आपको 20 डिग्री के लिए मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक, इस तरह से ओके बना लेंगे आप इनको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना, बहुत आसान है, नहीं होता है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद और शुभ दिन बच्चों।